हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, अभी कई बार ऐसा मैंने StarMaker पर देखा और सुना जब मैं नई आई थी StarMaker पर कि हम जो है अपने अकाउंट को, अपने पुराने StarMaker अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं। बट यहाँ प्रॉब्लम यह है कि StarMaker जो अकाउंट है वो डिलीट नहीं होता। उसकी प्रोसेस बहुत लंबी और बहुत डिफ़िकल्ट थी और जो है पॉसिबल नहीं होता था कि डिलीट कर पाएँ। बट अब StarMaker ने जो है आपके अकाउंट को जो है परमानेंट डिलीट करने का जो है ऑप्शन हमें दे दिया है। और वो आप कैसे कर सकते हैं और उसके लिए क्या शर्तें हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और आपके जो फीडबैक्स हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ जाइएगा। आपके जो फीडबैक्स हैं, जो अच्छे कमेंट्स हैं, वो हमेशा मुझे अच्छे वीडियोस लाने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो प्लीज़ और शेयर कीजिएगा आपके StarMaker फ्रेंड्स को और आपकी StarMaker फैमिली को, और व्हाट्सएप ग्रुप्स जो आपके StarMaker फ्रेंड्स से रिलेटेड हों तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा मेरे चैनल की लिंक को। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और अब मैं बताती हूँ आपको कि आप कैसे कर सकते हैं आपका जो अकाउंट है, वो पुराना अकाउंट जो आपके लिए अब नीडेड नहीं है, अननेसेसरी है, उसे आप बंद करना चाहते हैं। तो वो आप कैसे बंद कर सकते हैं, उसे कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ जहाँ ऊपर ये सेटिंग का ऑप्शन जो है दिखाई दे रहा होगा, ये सेटिंग का ऑप्शन यहाँ जो है, इसको मैं क्लिक कर रही हूँ। ये जो हेक्सागन जैसा बना हुआ है, तो इसको मैं आपको क्लिक करके बता रही हूँ। यहाँ आप जब आ गए तो आप यहाँ देखिए, यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है अकाउंट सिक्योरिटी। तो हमको इस अकाउंट सिक्योरिटी के आगे देखिए आप यहाँ एक एरो दिखाई देता है, ये जो छोटा सा एरो है, हमको इसको क्लिक करना है। तो ये जैसे ही आपने क्लिक किया तो आप यहाँ देख रहे हैं इस तरीके से दिखाई दे रहा है और यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा है डिलीट अकाउंट और इसके आगे भी एक एरो है। तो इस एरो पर मैं क्लिक कर रही हूँ। इस एरो को मैंने क्लिक किया तो क्लिक करने पर आपको देख रहे हैं ये इस तरीके से आपको दिखाई देता है। अब ये जो टर्म्स हैं वो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एक शॉर्टली मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि आप यदि अपना अकाउंट डिलीट करेंगे तो आपके जितने भी पोस्टेड सॉन्ग्स वगैरह हैं वो सब चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। आपकी जो इन्फॉर्मेशंस हैं, आपके चैट हैं, मैसेजेस हैं, वो सब जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे आपके लिए। दूसरों को जो है वो विजिबल होंगे, जो आपने बातचीत करी थी किसी से वो उन लोगों को तो विजिबल होंगे बट आपके लिए डिलीट हो जाएंगे। फिर आप जो है कोई भी आपको रिफ़ंड नहीं मिल सकता है कि आपने आपकी उस आईडी के लिए कुछ भी परचेस किया, वो सब रिफ़ंडेबल नहीं है। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि विदिन 14 डेज़ आपने जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट करी कि आपका अकाउंट डिलीट होना चाहिए, उसके दौरान बीच में यदि आप चाहते हैं कि नहीं अब मैं इसको बंद नहीं करना चाहता या चाहती, तो आप बीच में उन 14 डेज़ के पहले ही आके आपकी एप्लीकेशन को जो है वो रिट्रीव कर सकते हैं। बट उसके बाद यदि 14 डेज़ हो जाएंगे उसके बाद जो है आप जो है अपने अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको जो है ध्यान रखनी है। अब उसके बाद जो इसके लिए नीडेड हैं, जो इसकी शर्तें हैं, वो चीज़ें लिखी हुई हैं। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है नीचे, इफ़ यू वांट टू डिलीट योर अकाउंट यू नीड टू मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। तो फर्स्ट है यू नीड टू सबमिट योर एप्लीकेशन विद फ्रीक्वेंटली यूज्ड इक्विपमेंट। सेकेंड है योर अकाउंट इज़ करेंटली नॉट बीइंग बैंड, मतलब आपका अकाउंट जो है वो बैंड नहीं होना चाहिए, आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है। और उसके बाद बोला है कि ड्यूरिंग द पास्ट 30 डेज़, जो पिछले 30 दिन हैं, तो उस दौरान आपने आपका कभी भी पासवर्ड, उस अकाउंट का जो आप डिलीट करना चाहते हैं उसका पासवर्ड कभी भी चेंज नहीं किया हो 30 दिन के दौरान। और कोई भी ऐसे इन्फॉर्मेशन जो भी रिलेटेड है आपके अकाउंट की सेफ्टी के लिए, वो जो चीज़ें हैं वो आपने चेंज नहीं करी हुई होना चाहिए पिछले 30 दिनों के अंदर। तो ही जो है आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं StarMaker को कि आपका जो अकाउंट डिलीट किया जाए। और ये ज़रूर है कि आपने जब आई डी बनाई है वो कम से कम 30 दिन से ज़्यादा की होना चाहिए आईडी, तभी वो जो है StarMaker जो है वो अकाउंट डिलीट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये सब पढ़ने के बाद आप यहाँ जो है ये कंटिन्यू का जो आपको दिखाई दे रहा है, इस कंटिन्यू पे क्लिक करके मैं बता रही हूँ। तो देखिए अब इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको ये कुछ ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। आपको आपका जो इसका रीज़न है वो आपको वो उसके आगे टिक करना है। कोई भी चीज़ जैसे आप टिक करना चाहते हैं, तो जैसे माय अकाउंट वाज हैरेस्ड एंड अटैक्ड, जो भी आप जिस कारण से बंद करना चाह रहे हैं वो आपको बताना है StarMaker को। आई वॉन्ट अ न्यू अकाउंट, आई वॉन्ट टू डिलीट ऑल माई वर्क विदाउट बीइंग सीन बाय अदर्स। मैं सारा जो भी उसमें जो काम है वो सब मिटाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू कट ऑल कनेक्शन विद फ्रेंड्स फ्रॉम माई ओल्ड अकाउंट, से जितने भी फ्रेंड्स जुड़े हुए उन सब से कट करना चाहते हो कनेक्शंस। तो जैसे भी आप किसी भी इस पर करेंगे तो ये देखिए सबमिट जो है वो ऑन हो जाएगा। अभी मुझे नहीं करना है मेरा अकाउंट डिलीट, तो मैंने इसको ये कर दिया और अभी मैं इसको स्किप कर रही हूँ, तो ये मैंने स्किप कर दिया। और अब ये देखिए ये जो है डिलीट अकाउंट, बाय टैपिंग द डिलीट अकाउंट बटन यू विल डिलीट योर अकाउंट। तो ये जो है ये डिलीट अकाउंट बटन आपको यहाँ नीचे जो है ये दिखाई दे रहा है, यहाँ नीचे आप देख सकते हैं ये जो तो ये जो है आप इस तरीके से जो है अपना अकाउंट जो है डिलीट कर सकते हैं इसको क्लिक करके। अभी मुझे नहीं करना है इसलिए मैं बैक जा रही हूँ। तो ये मैंने आपको बताया कि इस तरीके से जो है आपके जो पुराने अननेसेसरी अपने अकाउंट खोल रखे हैं और जिसके कारण आपकी आईडीज़ जो हैं वो मल्टीपल हो जाती हैं, क्योंकि आपके पुराने अकाउंट्स हैं जिस पर आप वर्क नहीं भी कर रहे हैं तो भी वो StarMaker को शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने पुराने जो अकाउंट्स हैं वो डिलीट कर सकते हैं और जिन पर आप वर्क कर रहे हैं सिर्फ वही अकाउंट रखिए। तो ये था फ्रेंड्स इस वीडियो का एम कि आपको ये बता सकूं कि अब जो है आपके पुराने अननेसेसरी जो अकाउंट्स हैं वो आप आराम से क्लोज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत बेहतर ऑप्शन दिया है StarMaker ने हम सभी को। तो होप आप लोगों को ये जो है काम आएगा। और मिलते हैं फ्रेंड्स फिर अगले वीडियो में, कुछ नया लेकर आने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय ऑल, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और हाँ, प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, एंड प्लीज़ शेयर टू योर StarMaker फ्रेंड्स। बाय बाय ऑल।